राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में ओबीसी प्रकोष्ठ समता आंदोलन समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अजमेर संभाग प्रभारी चंपालाल परिहर ने ओबीसी में ईडब्ल्यूएस के मानदंड लागू करने की मांग की। साथ में आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंड अन्य पिछड़ा वर्ग पर भी लागू करने की और ओबीसी को 3 वर्गों में वर्गीकृत करने के सरकार से मांग की है। इसी के चलते राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस के जो शर्तें हैं वो एज इट इज़ एक तो राजस्थान सरकार लागू करे, ने कि उनके द्वारा जारी की गई वो सही नहीं है। उससे ओबीसी के 4-5 सशक्त जातियों को ही लाभ मिल रहा है, अन्य पिछड़े वर्गों को उसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है और ना ही उसके तहत किसी का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश अगर लागू किए जाते हैं तो प्रमाण पत्र भी मिलेंगे और ओबीसी के वंचित। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।